अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे आवर टॉपिक इज एक्सरसाइज 5B, पेज नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। टर्म्स को आपने ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है, यानी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आपने क्लास में समझा है, आपको क्लास में बताया गया है पूरा, अब प्रॉपरली आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। सो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब ग्राम को किलोग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के। तो हमें पहला पार्ट दिया हुआ है उन्होंने 375 किलोग्राम। अब 375 को अगर हम सॉल्व करें तो 375 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, तो इट्स मीन हम इसको 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। ये देखें ना, इसको हम 1000 से ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, 75 नीचे, 1000 ऊपर। जब हम 5 को 0 के साथ करेंगे, 0 फिर 0 अगेन 0 एंड 5 1 5, 7 0 0 0 0 एंड 7 1 7। ऐसे ही 3 5 0 0 3 0 0 0 0 एंड 3 1 3। तो लास्ट में जब हम आंसर निकालेंगे तो ये 0, ये वाला भी 0 नीचे आ जाएगा, ये वाला भी 0 आ जाएगा। अब 5 में 0 तो ऐड हो नहीं सकता, हम क्या करेंगे, 0 को लिख देंगे और 7 को लिख देंगे और 3 को लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 375,000 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसी तरीके से इसका ये वाला पार्ट भी होगा और ये वाला पार्ट भी होगा। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सम का मतलब होता है ऐड करना, जमा करना। ओके, चीज़ों को मिलाना। हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, ये आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है। हम पार्ट ए करने लगे हैं। इसका पार्ट ए आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया है। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम आ गया। 4 में 0 ऐड नहीं होते, 4, 5 में 4 ऐड करें 9, 3 में 5 ऐड करें क्या आता है, 8। किलोग्राम एज इट इज़ आ गया, 6 में 9 प्लस करें 15, 15 का 1 3 के पास चला गया कैरी, और 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे पार्ट्स होंगे। टू पार्ट्स रह चुके हैं, वन पार्ट मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। टू पार्ट्स जो से रह गए हैं वो बहुत ईजी हैं और सिंपलेस्ट वे इनका। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस को अगर हम फाइंड करें तो इसको भी हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। मैं आप लोगों की कन्वीनियंट के लिए ए वाला पार्ट सॉल्व करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है जी 79 kg 215 ग्राम। ओके, 35 kg एंड 600 ग्राम। हमने क्या करना है, इस पोर्शन से हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिखेंगे ग्राम, 5 में 0 माइनस नहीं होता 5, 1 में से 0 माइनस नहीं होता 1। अब 2 में से 6 माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, 9 से कैरी लेंगे, ये 12 बन गया। जब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब किलोग्राम एज इट इज़ आ जाएगा, 8 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। बिकॉज 8 इसीलिए आया क्योंकि हमने 9 से कैरी दिया था 2 को, तो पीछे क्या रह गया, 8। इसके बाद हम करेंगे 7 माइनस 3 करें तो हमारे पास क्या आता है, 4। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए आपके पास क्या आया, 43 किलोग्राम एंड 615 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी जो पार्ट हैं वो भी ऐसे ही वर्टिकल फॉर्म में आपने करना है, आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिए हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपने इसको ग्राम, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है।